जीतू टीचर शामगढ़ से आज कोटेश्वर महादेव मंदिर आया हूँ, तो ये ढोल वाले भाई साहब ढोल बजाते हैं, तो मेरे से इनसे कुछ चर्चा हुई तो कहते नहीं कहे कि कोरोना बीमारी को भगाने के लिए, इससे बचने के लिए कई प्रकार से जड़ी बूटियाँ खा रहे, कोई इलाज करा रहे, क्या कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे मैंने अभी नृत्य किया कि ये ढोल बजाया ना, मैंने नृत्य किया और उस नृत्य पे मेरी सांस निवास सब तेज गति से हो गई, यानी हाथ पैर में जान आ गई, तेज गति से हो गई। तो फिर मैंने अनुमान लगाया कि यार मेरे शरीर के अंदर पसीना आ गया, तो मैंने इनसे पूछा कि भाई साहब शरीर के अंदर क्या, क्या बोले क्या एक्सरसाइज करने से, मंदिर में कहीं नाचने से, घर के अंदर कोई नाचने से, शरीर का एक्सरसाइज करने से शरीर में जो पसीना आता ना, वो कोरोना की बीमारी उस पर आती नहीं है। तो कोरोना की बीमारी कोई यूँ नहीं है कि ऐसे होते हैं, ये क्या सिर्फ गले में कुछ अटक जाता है और अटकने के बाद में सांस की बीमारी रुक जाती है, इसीलिए आदमी खेलेगा कूदेगा हाथ पर हिलाएगा जोर जोर से, तो वो हिलेगा डुलेगा ना तो उसके शरीर में पसीना आएगा, तो उसको तेज तर्रार रहेगा। कभी भी देखना कालूड़िया है, मामा लोग है, साठिया लोग है, आज तक उनको कभी कोरोना नहीं हुआ, क्योंकि वो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अपन क्या क्या एक्सरसाइज करते नहीं है, इसीलिए अपने को बीमारी का रोग ज़्यादा रहता है। अभी मैंने इस पर ढोल पर डांस किया, अभी आपको यूट्यूब पर दिखा। दोस्तों आज कोटेश्वर महादेव मंदिर आए और इसमें यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन किए, और हमारे ये ढोल बजाने वाले भाई साहब सुबह से बैठे थे कोरोना काल के अंदर, अब बोनी नहीं हुई, तो मैंने कहा कम से कम शाम कर से यहाँ आए, कुछ खर्चा पानी दें इनको, वो थोड़ा डांस का आनंद भी लें, और हमारे यूट्यूब चैनल पे हम दिखाएंगे आपको
और इसको आप जीतू डीजे शामगढ़ के नाम से देखना, और नाम जीतू का डांस देखिए और जिंदगी का आनंद लो। कल किसने देखा? जय भोलेनाथ की जय हो, जय हो कोटेश्वर महादेव की जय हो।